झाजी चैनल में आपका स्वागत है। हर रोज इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर लें, ये आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं झाजी चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि आपका फोन में जो मेमोरी कार्ड रहता है उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करें। मैं जिस प्रोटेक्शन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, उस प्रोटेक्शन का नाम है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का कुछ लाभ और नुकसान भी है। लाभ जो है, ये बहुत ही सॉलिड प्रोटेक्शन मेथड है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका मेमोरी कार्ड इंक्रिप्ट रहा तो आपके अलावा उस मेमोरी कार्ड को और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अगर किसी ने एक्सेस करने का भी कोशिश किया, मान लीजिए आपका फोन चोरी हो गया या फिर किसी ने आपके फोन से मेमोरी कार्ड खोल करके मेमोरी कार्ड रीडम लगाकर कंप्यूटर में लगाता है, तो आपका फाइल शो नहीं करेगा। अगर किसी ने रिकवर करने का भी कोशिश किया मेमोरी कार्ड को, तो आपका जो फाइल है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रिकवर होगा। इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रिकवर होने के कारण अगर किसी ने उसको खोलने का भी कोशिश करता है, तो आपका बस वही जो इंक्रिप्शन कोड है वो मांगेगा, यानी पासवर्ड। तो ये तो हुआ लाभ की बात। और नुकसान जो है, अगर आप अपना इंक्रिप्शन कोड या पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका मेमोरी कार्ड को खोलना नामुमकिन हो जाएगा और उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करने के बाद आपका जो भी फाइल है उस मेमोरी कार्ड में वो इरेज हो जाएगा, लेकिन आप अपने मेमोरी कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो इंक्रिप्शन के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया कि आप अपना फोन को इंक्रिप्ट कैसे करें, तो वो लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। तो चलिए, मैंने अपने इस मेमोरी कार्ड को अपना रेडमी फोन में लगा करके इंक्रिप्ट करने का कोशिश किया, बट रेडमी फोन में मेमोरी कार्ड इंक्रिप्शन का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो मैंने इस मेमोरी कार्ड को सैमसंग फोन में लगाया और सैमसंग फोन में मेमोरी कार्ड का इंक्रिप्शन का ऑप्शन है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपना मेमोरी कार्ड को इंक्रिप्ट कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अपना मेमोरी कार्ड मेरे सैमसंग फोन में लगा लिया। तो अभी मुझे करना क्या है, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ से सेटिंग्स, इसके बाद सिक्योरिटी जाने के बाद मुझे मिल गया दो ऑप्शन यहाँ पे, इनक्रिप्ट डिवाइस। तो इनक्रिप्ट डिवाइस के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, ये रहा इनक्रिप्ट एक्सटर्नल एसडी कार्ड। तो एक्सटर्नल एसडी कार्ड में इनक्रिप्ट करने का पहले मैं बता देता हूँ आपको, बैटरी थोड़ा सा बेसी चार्ज करके रखिएगा, क्योंकि आपका फाइल जितना रहेगा इस मेमोरी कार्ड में तो उसके अनुसार इंक्रिप्शन टाइम मैटर करेगा। और यहाँ बता रहा है सेट स्क्रीन लॉक टाइप, ये मेरा फ़ोन लॉक नहीं है, तो इंक्रिप्ट करने के लिए फर्स्ट आपको फ़ोन को लॉक रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन लॉक ऑन कर लेता हूँ, ABCD1234 मैंने दे दिया, कंटिन्यू, कन्फर्म पासवर्ड ABCD1234, ओके। ये बता रहा है लॉक स्क्रीन का सेटिंग है ये, तो शो कंटेंट लॉक स्क्रीन में कंटेंट शो करेगा, ओके। तो देखिए यहाँ ऊपर दिखा रहा है एसडी कार्ड इंक्रिप्शन इज डिसेबल्ड, एनेबल एसडी कार्ड इंक्रिप्शन बिगन टैपिंग एनेबल बिलो। ये देखिए, ये मैं ऊपर बताया, तो एनेबल करने के लिए मुझे एनेबल बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन आ गया, अगर आप यस कीजिएगा तो मेमोरी कार्ड में जो भी फाइल है सारा फाइल इंक्रिप्ट हो जाएगा। अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो अभी तक जो फाइल है वो इंक्रिप्ट नहीं होगा और नया जो फाइल इसमें ट्रांसफर कीजिएगा अपने फ़ोन से वो इंक्रिप्ट रहेगा। तो मैं यस में क्लिक कर देता हूँ, मेमोरी कार्ड में जितना भी फाइल है सारा फाइल इंक्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, ये कुछ आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इस ऑप्शन का मतलब है यस कीजिएगा तो इसमें जो मल्टीमीडिया फाइल है, मतलब मूवी, MP3 सॉन्ग, ये सब इंक्रिप्ट नहीं होगा। अगर मैं नो करता हूँ तो इस मेमोरी कार्ड में जितना भी फाइल है सारा इंक्रिप्टेड हो जाएगा, अगर वो वीडियो और MP3 भी क्यों ना हो, फुल इंक्रिप्शन। ये कंटिन्यू, मुझे वो पासवर्ड मांग रहा है जो मैंने दिया था स्क्रीन लॉक, 1234, कंटिन्यू, इंक्रिप्शन अप्लाई। ये ऑप्शन आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, अभी मेमोरी कार्ड इंक्रिप्ट हो रहा है, यहाँ देखिए ऑप्शन दिखा दे रहा है। तो एसडी कार्ड इंक्रिप्शन 16% या फिर जितना होगा आपको यहाँ परसेंटेज दिखाएगा, और ये परसेंटेज और टाइम मैटर करता है कि आपके मेमोरी कार्ड में कितना कंटेंट है। जितना ज़्यादा कंटेंट रहेगा उतना इंक्रिप्शन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये देखिए, मैं अपन दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये मेरा एसडी कार्ड मेरा इंक्रिप्ट हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पर टैप करके दिखा देख रहा हूँ, तो बता रहा है, देखिए अभी मेरा इंक्रिप्शन हो गया है। अगर मुझे इंक्रिप्शन बंद करना होगा तो वहीं जाकर के डिजेबल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका इंक्रिप्शन बंद हो जाएगा। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।